हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैंटास्टिक मैथ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं। और आपको पता है कि हम हर टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से सीखते हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन का मीनिंग क्या है। तो इक्वेशन, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इक्वेशन मीन्स इक्वलिटी साइन। इट मीन्स कि LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में जब इक्वल साइन होगा तो वो क्या कहलाएगा? इक्वेशन। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, 3x plus 2 is equal to 20। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इक्वल साइन है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, इक्वल साइन है, इट मीन्स ये क्या है? इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड एग्जांपल में भी यहाँ पे इक्वल साइन है, इट मीन्स ये क्या हो गया? इक्वेशन। तो ये दोनों क्या है? इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, 3x plus 2 is equal to 20, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के, राइट, क्योंकि इक्वल साइन है यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। इस 20 की जगह पे यहाँ पे वेरिएबल के भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे सेकंड वाले एग्जांपल में है, 4x plus 8 is equal to 3x plus 10। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी आएगी, इसीलिए इन दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होती है, बट अब आप एक एग्जांपल देख के ये सोचिए क्या ये इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 3x plus 4 is greater than 2x plus 3। अब आप यहाँ पे ये चेक करिए कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम ये चेक करेंगे कि इक्वल साइन है कि नहीं है। यहाँ पे इक्वल साइन है क्या? नहीं। यहाँ पे 3x plus 4 greater than है 2x plus 3 के, तो इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन में हम जो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, मीन्स हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इक्वेशन है 3x plus 2 is equal to 4x plus 5, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 3x plus 2, राइट हैंड साइड पे क्या है? 4x plus 5। तो मैं 4x plus 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के इक्वल साइन लगा के 3x plus 2 भी लिख सकती हूँ। मीन्स हम इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।